जगन्नाथ प्रेमी और भक्तों के लिए खुशखबरी, अगले साल 3 मई को होने वाली अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा में श्रद्धालु शामिल होंगे। कोरोना दिशा निर्देश के कारण पिछले 2 वर्षों से श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल तक जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा, चूंकि संक्रमण की संख्या कम हुई है, इसलिए सभी भक्तों को जुलूस में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह आगामी चंदन यात्रा और अक्षय तृतीया नीति कार्यक्रम की बैठकों को अंतिम रूप दिया गया है। मंदिर के रसोई गृह के अंदर चूल्हा टूटने के बाद सुरक्षा कड़ी करने का भी फैसला किया गया है। मंदिर के अंदर अब सीसीटीवी सिस्टम को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य प्रशासक वीर विक्रम यादव ने पूरी बतदर के नीलाद्री भक्त निवास में की और इसमें जिला आयुक्त, एसपी, मंदिर प्रशासन के अधिकारी और सेवा प्रतिनिधि शामिल हुए। जो आज छत्तीसगढ़ जो मीटिंग कराला ताजेरे सुरक्षा पर बहुत आलोचना कराला, मंदिर जो भांगी चूली से विषय भी आलोचना कराला, आगामी दिन में सुरक्षा को भारी कड़ाकड़ी कर सीसीटीवी सफिशेंट लग मझे जी अच्छा आडिशनल एसपी रैंकर जो अच्छा सिक्यूरी दायित्व से प्रति जेटीपुर सागर सप्ताह आलोचना करेंगे और कलेक्टर निजे आलोचना कर सुरक्षा को कड़ाकड़ी भाव करने आज प्रतिश्रुति आगामी दिन में जो चंदन यात्रा हम ताक समस्त जेहेतु भक्त मैंने देखिए सुरक्षित करने प्रस्ताव दी से कथा भी आलोचना कराई से खूब शीघ्र डिस्ट्रिक्ट एडमिशन आपको आलोचना को नहीं करी व्यवस्था कर विषय भी आलोचना कराई आगामी दिन में बहुत जल्दी गुंची आर को एवं खोल बोली कलेक्टर उपमुख्य प्रशासक प्रतिश्रुति नहीं आम तक दाबी कर दाबी कराइल से कहले जो कारण होता खूब शीघ्र एक आम खोला कर लोक भक्त व्यवस्था कर बजेट में यहाँ सत्य मीटिंग में व्यवस्था आलोचना जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज आज आमर दीटा बैठक होता प्रथमटा है आमर नीति सब कमिटी और द्वितीयटा आमर 36 नियोग संघ आम बैठक कलु से प्रथमटा तो चंदन यात्रा केमती आम भली प्रकार करू 2 वर्ष होगा भक्त मैंने आनंद नहीं पारिना चंदन यात्रार सो सेटा केमती आम भली प्रकार करू से आम डिस्कशन कलु से गुड़ाए आमर सुझाव भी आसला से सब सुझाव उपर भी आम विचार कलु सो आज आम बैठक रे चंदन यात्रा रे जो नीति निर्देश थिला तार अनुमोदन करागला और समस्त सहयोग कामना करके आम चंदन यात्रा को केमती भली प्रकार करपत्ति आज आम डिस्कशन केवल थिला चंदन यात्रा सर आउ गोटे कथा रहा चा मंदिर खोल कि आलोचना करा मुझे कहली आम बहुत डिस्कशन है बहुत सजेसन भी आसे आम सेवक मान पाखर सर एडवाइस कौन दिगला निजोग तरफ से सबूटा आम जिते सजेसनसटा आसला आम भी अश्योरेन्स देखिए आम सब सजेसन विचार करूँ और आम आसंता मैनेजिंग कमिटी रे यार निष्पत्ति सर सजेशन गुड़ी को कौन आसीला विशेष करी सजेशन गुड़ी को कौन आसीला सर चुली भंगा इशू रे कौन आलोचना वाला सर सर बड़ा गुरुत्वपूर्ण चुली भंगा इशू रे सर ये चिन्ह उठी जे बजपति महाराज खाई चुप होचंती शंकराचार्य कौन बसु हां सुप्रीम कोर्ट सुनतु सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देला जे शंकराचार्य कर जे आपन रेकॉर्ड ऑफ राइट देखिबे किछि अधिकार नाही मंदिर के पड़ोदा धार्मिक पिल्लिका सुपर जगदी सुन हाँ तब आम तक सम्मान दौ कि कहीं चुप अच्छा ना ओडिशा शुणु ओडिशा सरकार सारा भारत बर्ष रे सब मठवाड़ी आंडिया मानी यहाँ तक स्वतंत्र हो गला निकट ओडिशा सरकार विरोधी कहबेन गला गजपति जो खोला जो आप रथ खोलाई आपार्टमेंट कर देखी 40-50 वर्ष तेल रथ खोला 75 मीटर इला भंगाला 100 मीटर कहीं भंगाला ना गजपति की आशीर्वाद दिगला तेणुकर ओडिशा सरकार विरोध में से मुह खोल जदि ओडिशा सरकार मुहर में
मुझ भाइटाल लोक आम जिते हल्ला करवा शुणु अनुरोध करते आम जिते हल्ला करवा आपण मीडिया मैंने हल्ला कर धन्यवाद पिकु पटना हल्ला कर धन्यवाद किंतु जोड़िए लोक जी स्वर उठे समाधान बाट ये दी जन कहीं चुप अच्छा ये दिन कहीं चुप अच्छा सम्मानीय लोक ये मैंने जेहेतु गजपति स्थायी सभापति मैनेजिंग कमिटी से कहीं चुप अच्छा कहीं कौत चुप अच्छा चारिपटे कलेक्टर बस किसी उठू ना चुप आपर आप मानते मंदिर भेतर पचास चूली मंगाला से भी चुप कहीं चुप अच्छा कौत भी चुप अच्छा तेणुक मोर अनुरोध आपण मैने अति शीघ्र शंकराचार्य एवं गजपति क्वेश्चन पुरी से संवाददाता रविंद्र कुमार के साथ अश्विनी की रिपोर्ट है।